हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं सूरज। आज के वीडियो में हम जानेंगे बजाज कार्ड के बारे में। जी हाँ, बजाज कार्ड को कैसे डाउनलोड करें। हमने कुछ दिन पहले से मोबाइल फाइनेंस करा लिया था, है ना, तो बजाज कार्ड तो हमारा बन गया, लेकिन हमें कार्ड नहीं मिला। कार्ड क्यों नहीं मिला? कार्ड ना मिलने का रीज़न ये है क्योंकि अगर बजाज कार्ड गुम जाता है, चोरी हो जाता है, तो वैसे में क्या कोई भी उसे यूज़ कर सकता है, कहीं भी यूज़ कर सकता है। इसीलिए अब जो बजाज कार्ड वाले हैं वो बजाज कार्ड बनाकर नहीं दे रहे हैं। इसके लिए क्या करना है, आपको आपके फ़ोन में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है बजाज फिनसर्व का। उसमें आपको वह जो EMI कार्ड है मिल जाएगा, उसे आप यूज़ कर सकते हैं कहीं भी कभी भी, यहाँ तक कि आप फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन में भी उसे यूज़ कर सकते हैं। तो वह कार्ड कैसे प्राप्त करें, तो दोस्तों पहले आप जान लीजिए वह कार्ड कोई भी मतलब नहीं यूज़ कर सकता, डाउनलोड कर सकता। जो पहले बजाज कार्ड बनवा चुका है, अप्लाई कर चुका है, उस पर सामान ले चुका है, वही उस कार्ड को डाउनलोड कर सकता है अपने नंबर के थ्रू। तो चलिए मैं प्ले स्टोर में चलता हूँ। मेरा जो EMI कार्ड था दोनों यहाँ पर आ गया है। और आप जैसा कि जानते होंगे, आप एक EMI कार्ड अगर बनाते हैं तो साथ में एक और बनता है जो कि रेफरेंस के नाम पर होता है, जिसका भी आप रेफरेंस में नंबर देते हैं उसके नाम पर बनता है। तो यहाँ पर देखिए दोनों यहाँ पर आ गया है। तो इसमें से आप यहाँ पर अगर व्यू कार्ड नंबर करते हैं, ये देखिए यहाँ पर व्यू कार्ड नंबर करते हैं, तो आपको पूरा जो व्यू कार्ड नंबर करेंगे तो आपको पूरा नंबर जो ये है यहाँ पर के बीच में जो XX है, पूरा नंबर आपको दिखा देगा और वो नंबर आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। इसका जो एक्सपायरी डेट है, वैलिड डेट है, ये सब भी यहाँ पर दिया हुआ, और आपका पूरा नाम यहाँ पर दिया रहेगा। इस कार्ड को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से आप बजाज कार्ड को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, पा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें।